बड़ा यार साफ ऐसी कि यार मोल भी ना पड़ा है साता मार रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी चारा लेके आया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज लेट गए हैं। तकरीबन 8 बजे घर से निकले हैं जिसकी वजह से लेट हो चुके थे। तो अभी गर्मी में सिर्फ एक दिन का चारा लेके आए हम, क्यों कल ईद है और कल का जो चारा है वो भी आज ही लेके आना है, लेकिन शाम को लेके आना है। ये देखें, साल के बाल निकालनी होती है। ये मुड्डी है हमारी, तो इसको सेट करवाएंगे। एक ये पड़ी है, और अपना लंबा फिर कोई साडा स्कूल आई कसम करान जाके माल नहीं बेचना, कोई तो बाहर कर जूगा मुसलमान। ये पेटी लेके आए हैं अभी हम, सुबह का जो हमारा खाना है 10-11 बजे वो खा के अभी गया था, तो अभी लेके आए हैं। पकी हुई है, अभी खोलते हैं कैसे निकलते हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, ये देखें। आजकल का जो आम है वो काट के खाने वाला है। ये देखें, अंदर से कुछ ख़राब भी निकलते हैं वो, जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आम आजकल बहुत ज़्यादा ही ख़राब निकल रहे हैं। वैसे भी सीज़न जाने वाला है तो उसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये देखें, ये ठंडे करेंगे हम। आजकल जो सीज़न ख़त्म हो रहा है उसमें भी ये जो पेटी है ये दो दिन ही निकालती है, क्यों जल्दी ख़राब हो जाते हैं ये अंदर से। मैं अभी चारा कुतरने लगा हूँ, तो मैं कभी कभार कुतरता हूँ, कभी कभार होता है, तो रोज़ाना की रूटीन पे नहीं कुतरता हूँ, रोज़ाना घरवाले ही कुतरते हैं। तो आज मैं कुतरने लगा हूँ तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। पल्ली बिछा लेंगे, पट्टे इसी में गिरे।
गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चारा हमने को तर लिया है तो बस हो गई एक बार, क्योंकि गर्मी की वजह से ये काम करना बहुत मुश्किल है तो बस करना भी था। बड़ा यार साफ ऐसी की यार मोल भी ना पड़ा है साता मार रही। हम इधर चारा लेने के लिए आई हैं, क्यों सुबह भी चारा लेके आए हैं तो अभी फिर जो कल का चारा ना, कल ईद है तो कल को ये काम नहीं होगा तो कल का मुकम्मल काम जो भैंसों का वो आज ही करेंगे। बस हमारा चारा कट चुका है, थोड़ा सा रह गया है, ये कट चुका है बस थोड़ा सा रहता है, वो भी हम अभी काट लेंगे। तो सुबह ज़्यादा गर्मी थी तो मैं अभी भी यही सोचा कि सुबह वाले जो चारा था ना वो भी अभी काट लेते हैं, क्योंकि इस टाइम जो मौसम हुआ है बहुत मज़े का हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी तो गर्मी बहुत कम हो चुकी है तो मज़ा भी आ रहा है काम करने में। पट्ठे हमने डाल भी लिए हैं तो एक पंड रहती है वो भी डालते हैं अभी, तो बाइक लेट है अभी, बाइक अब्बा जी गए थे शहर तो वो कह रहे थे मैं आऊँगा तो फिर ले आऊँगा, लेकिन वो आ गए हैं घर में, अभी मेरी कॉल पे बात हुई है तो, मगर बाइक उनकी कुछ तस्वीरों वगैरह का मसला होता है तो इसलिए वो तस्वीर वगैरह कर रहे हैं तो बाइक किसी के हाथ ही भेजेंगे। तो बस अब बाइक का इंतज़ार है, बाइक आएगी तो बाइक पर ले कर जाएंगे, फिर उसके बाद हम आज के दिन के लिए फारग हैं, फिर जो कल का दिन है वो हमारा शुरू होगा वो काम के लिए, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे क्या क्या काम करते हैं ईद वाले दिन। हम अभी फारग हुआ, सब कुछ कर गए तो हाथ भी धोने हैं, काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस काम में, बहुत कुछ रहता था काम करने वाला। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।